मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें। पूर्णतः इस बात के समर्थन में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, क्या लेकर जाएंगे वो? क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस। एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें, काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे द HT न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब बिहार में कोई सुनता नहीं है और बिहार की जनता जो उनका अस्वीकार कर दी है तो वह अब बनारस और झारखंड का रुख कर रहे हैं। क्या बनारस और झारखंड में जाकर ही बताएंगे क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सुनिए। बनारस जाएंगे रैली करने। भाई जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, क्या लेकर जाएंगे वो? बनारस पूर्वांचल में ही है, बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले अभी हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम मंदिर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें, काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे, बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, यहाँ हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है? क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है? सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। हम इसमें क्या देखेंगे बताएं? यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लोग, ये लोग जो बहुत विकास की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने सामने की बात है ना, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारना, ईडी की रेड देना, सीबीआई के छापे करवाना, बट भाई जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियाँ नकदी से भरी पड़ी हैं जिसको संभवतः गिनने में दिनों लग गए हैं, अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है। आखिरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई थी और अभी भी कई बैग्स बाकी हैं। तो ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताएं कांग्रेस के नेता कि भाई ये तस्वीरों को क्या वो झुटला सकते हैं? जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा और बिहार कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब
नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कांग्रेस, क्या वो इनको स्वीकार करती है? राहुल जी, जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और संभवतः चर्चा हो रही है कि दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, संभवतः इस बार वो बिहार भी आएंगे, तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जब तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, जब वो इन बातों को कहते हैं? हकीकत है कि कांग्रेस की फजीहत सिर्फ इसी बात से होती है, और कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इन्हीं कारणों की वजह से, जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस अगर, या तो आप मान लीजिए भैया कि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई है कांग्रेस, अगर सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को राजनीति करनी है तो ये बयान बिल्कुल सही है भैया, फिर आप बाकी राज्यों के डीएनए को आप गाली दीजिए, एक क्षेत्रीय दला बन के रह जाइए। पर अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरीके से क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें, और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता, और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशि तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशि केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है वो तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। तो ऐसे में जब विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेष राज्य के दर्जे की राशि या जितनी इसमें सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल या पूर्ण रूपेण उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान काफी हमलावर है और नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे HD News के साथ।